ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। सीए फाइनल का मेरा सबसे पहला पेपर था एफआर, और जब मैं एफआर का पेपर दे के आया तो आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड, क्योंकि मेरा वो पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरा पेपर जाना चाहिए, वैसा मेरा पेपर नहीं गया था। कभी कभार क्या होता है, हमारी प्रिपरेशन से ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उस चक्कर में अपने को क्या लगता है कि यार अपना पेपर एक लेवल का जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए, और जब वैसा पेपर नहीं जाता है तो वी टेंड टू गेट डीमोटिवेटेड, या वाकई कभी कभार पेपर बिगड़ जाता है। तो उसके चलते क्या हुआ था, जिस दिन मेरा पेपर हुआ उस दिन है ना बेटा, मैं पढ़ नहीं पाया था लॉ पेपर के रिगार्डिंग। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अब एक और अटैम्प्ट और ये सब चीज़ें, वो मतलब अननेसेसरी चीज़ें मैं डिले कर रहा था। तो उसके बाद जब मेरी, फिर मैं मुंबई पापा से यूजुअली बात करता हूँ, फिर ऐसा पेपर हुआ, ये हुआ। तो ऐसे केस में अब समझना, अब ऐसे केस में हुआ क्या, ध्यान रखना, ऐसे केस में हुआ ये कि मम्मी और पापा ने यही समझाया मुझे कि देख यार ये पेपर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर तुझे 40 भी आते हैं पर तू बाकी पेपर तो अच्छे से दे, अगर तू बाकी पेपर अच्छे से देगा तो हो सकता है शायद तेरा क्या बन जाए, शायद तेरा एग्रीगेट बन जाए और निकल जाए। और हुआ यही आखिर में, सेकंड पेपर था लॉ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 डेज के अंदर अच्छे से पढ़ के 64 मार्क्स स्कोर किए थे लॉ के अंदर। शायद अगर मैं पहले दिन और पढ़ता तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाते लॉ में, मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था, नो डाउट मैं पास हो गया ग्रुप 1, सब कुछ एकदम बढ़िया। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साथ कि अभी आप फोकस करो अगले पेपर्स के ऊपर। नो डाउट आपका पेपर कैसा हुआ अकाउंट्स का, इट डजंट इवन मैटर, बहुत अच्छा गया तो भी आपको ज़्यादा हवे में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेकार गया है, नॉर्मल पेपर गया है तो भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में अभी भी 3 पेपर्स है और आपका फोकस उन 3 पेपर्स के ऊपर होना चाहिए। तो 1 down 3 to go, लॉ में फोड़ना है बेटा, अब की बार 300 पार का जो नारा है वो लगाना ही है अपने को, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं, होप सो आपका पहला सेशन मेरा हो चुका है पार्टनरशिप का, मज़ेदार रहो, सॉरी कंपनीज एक्ट का मज़ेदार रहो, बाकी सेशन एकदम बढ़िया से अपने रिविजन चलने दीजिए बेटा। कल सुबह फिर से मैं आने वाला हूँ जहाँ पे मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को फिनिश कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ।